हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप 12th क्लास में और आपके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और साथ में नीट की एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप ड्रॉप आउट हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेन ये 12th वालों के लिए ही है जो अभी 12th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अपने नीट के एग्ज़ाम की तैयारी के साथ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। मैं कुछ ऐसी आपको टिप्स बताने वाला हूँ जिसमें आप फिज़िक्स में 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं विदाउट एनी कोचिंग ले। अगर आप कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप 12th पढ़ रहे, तो जाहिर सी बात है आप कोई कोचिंग नहीं ले रहे होंगे क्योंकि 12th का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कुछ आसान सी टिप्स से कैसे 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं नीट के फिज़िक्स में, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले टिप नंबर वन की बात करते हैं। इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यू नो दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ लिटिल मोर। इट विल बी बेटर फॉर यू टू प्रैक्टिस क्लास 12th सिलेबस एट फर्स्ट एंड ग्रेजुअली फोकस ऑन क्लास 11th सिलेबस। सबसे पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, अभी ऊपर उसकी लिंक आ रही होगी, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने 12th को क्लियर कर लीजिए, आप 12th का सिलेबस पूरा ढंग से पढ़ लीजिए। जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए और उसके बाद जो आपका टाइम बचता है नीट के एग्ज़ाम के लिए, आप उस टाइम पर अपना 11th का पढ़िए। और 12th की प्रैक्टिस आप बोर्ड की इस तरह से करिए कि आप नीट की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको उसके बाद 12th के एग्ज़ाम के बाद आपको 12th की बुक्स खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप ओनली 11th पर फोकस करें। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा पॉइंट एक बुक के रिगार्डिंग है, बुक है HC वर्मा। ये काफ़ी अच्छी बुक है, नीट और 12th दोनों क्लास के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। हर कोई आपको ये सजेस्ट करेगा कि HC वर्मा से पढ़ें, और काफ़ी बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है और बहुत सारे एग्जांपल है इसमें, तो इससे आप प्रैक्टिस करें। HC वर्मा एक बुक है, इससे आप प्रैक्टिस करें, इससे आपके कॉन्सेप्ट वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। HC वर्मा पढ़ने के बाद आप कुछ पॉइंट्स बनाइए, मेक स्मॉल नोट्स फॉर योरसेल्फ, अपने लिए स्मॉल नोट्स बनाइए और अपने स्टडी रूम में जगह जगह लगा दीजिए ताकि आप उनसे गो थ्रू होते रहें। जब आपने पढ़ लिया एक बार, मीन्स आपको प्रैक्टिस इस तरह करनी है कि आपको दोबारा कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं कर रही, तो आप प्रैक्टिस इस तरह करिए दोबारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ढंग से एक ही बार में पढ़ें पर ढंग से पढ़ें। तो आप उसके नोट्स बना लीजिए और अपने सामने से लगा रही और रोज़ उससे गो थ्रू होते रहिए। देन HC वर्मा जब आप कर लेंगे उसके बाद DC पांडे से प्रैक्टिस करिए, ये भी बहुत अच्छी बुक है। ये दोनों बुक्स बिगिनर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इससे तो पढ़ाई करके जानी चाहिए नीट के एग्ज़ाम में, बहुत दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो इसकी DC पांडे की प्रैक्टिस करिए और उससे भी आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, मोस्टली द स्टूडेंट्स आर स्केर्ड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली बात है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से थोड़े बच्चे डरे रहते हैं, तो आई विल सजेस्ट प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं नीट एग्ज़ाम में। नेक्स्ट वन इज़ ट्राई टू कवर अप द एंटायर सिलेबस प्रॉपरली वंस यू आर डन विद योर बोर्ड एग्जामिनेशन, फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 11th। यही फर्स्ट पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, पहले 12th को ढंग से कर लिए, एंटायर सिलेबस एकदम प्रॉपरली आप ढंग से पढ़ लीजिए, देन बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद अपने 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद अपने 11th पर आप फोकस करिए। अगर आप एम कर रहे हैं 140 प्लस स्कोर करने का, तो एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चन डेली आप सॉल्व करिए। मैं जानता हूँ ये 100 क्वेश्चन पहले दिन में पॉसिबल नहीं, धीरे धीरे स्लाइटली आप इसे इंक्रीज करिए, बट आपको अगर 140 प्लस स्कोर करना है ना, तो 50 to 100 क्वेश्चन तो आपको डेली करने ही पड़ेंगे क्योंकि यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन रेगुलरली। विदाउट दीज क्वेश्चन यू कैन नेवर क्लियर योर डाउट्स। आपके डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे, और यही प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती कर देते हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं करके जाते। इतने क्वेश्चन सुनने में थोड़े ज़्यादा लगते हैं, बट यही एक गैप होता है आपके मार्क्स और प्रैक्टिस के बीच में। तो अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्टार्ट कलेक्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम अदर रेफरेंस बुक्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर एंड सॉल्व इट प्रॉपरली। ये थोड़े पिछले पॉइंट से मिलता जुलता, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करिए डेली। जो आपने 50 से 100 क्वेश्चन करने हैं, आप रोज नए नए क्वेश्चन और कोई कोई क्वेश्चन दोबारा जिनमें आपको दिक्कत आती है वो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ यू आर टेकिंग मॉक टेस्ट, देन फाइंड आउट योर वीकनेस एज वेल।
After mock test, the student never look after the solution. Therefore, there is a gap in the preparation. वैस बहुत अच्छी बात है लिखी हुई है यहाँ पे. आप जब मॉक टेस्ट भी देते हैं या कोई भी आप मॉक टेस्ट अपना देते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन के बाद आपको अपना एनालाइज करना चाहिए कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है, मैं कौन सी चीज़ों पर अटक रहा हूँ, कौन सी चीज़ पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है. और कई बार बच्चों के साथ ये चीज़ होती है, नॉर्मल एक रूल्स है, नेचुरल है लाइफ का. अगर जिस चीज़ में अच्छे होते हैं बच्चे उसी चीज़ की और उसको ही अच्छा करने में लगे रहते हैं, अरे ये चीज़ मुझे आती है, और उसी से कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस इसी को बोलते हैं. तो जो चीज़ आती है आप हर मॉक टेस्ट में से सही कर रहे हो तो उसे थोड़ा सा कम पढ़ो. जो जिस चीज़ में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, जिस प्रॉब्लम्स में आप फंस रहे हो, उसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत है. यहीं पर एक गैप आ जाता है आपकी प्रिपरेशन में. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑब्वियसली यू कैन नॉट प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन डेली, ग्रेजुअली यू हैव टू मेक योर गोल क्लियर टू अटेम गुड मार्क्स इन नीट एग्जामिनेशन. तो वाइज ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 100 क्वेश्चन सी बात है आप नहीं कर सकते एक दिन में स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आप आदत बनाएं, क्योंकि गाइस दिन बहुत कम बचे हैं. आपने पूरे साल मेहनत करी है, लास्ट के 2-3 मेहनत में और ढंग से मेहनत कर लोगे तो बहुत अच्छा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है. हम भी आपसे यही चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिले. और अभी की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो.